मुंबई इंडियंस इतनी बेहतर और विस्फोटक टीम, जहां सिर्फ एक छोटी सीम यानी कि केकेआर से हार गई। कोलकाता नाइट राइडर ने मुंबई इंडियंस को इस कदर खदेड़ा कि मुंबई इंडियंस अब सर दिखाने वाली भी टीम नहीं रह गई। आप सभी को सब कुछ हाईलाइट दिखाएंगे कि किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसाया। और यहां पर आप सभी को बता दें कि MI यानी कि इतनी मजबूत और विस्फोटक टीम IPL की उसको खदेड़ फेंका। मुंबई इंडियंस लगातार IPL 2024 में पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। कहीं GT तो कहीं CSK, कहीं RCB से हार का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस इतनी धांसू विस्फोटक टीम जिसमें हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर, रोहित शर्मा जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज और सूर्य कुमार यादव जैसी आंधी, तिलक वर्मा जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज और यहां पर तूफानी से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन जैसे विकेट कीपर हों, वो टीम लगातार कैसे हार सकती है। आप सभी को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर ने किस कदर मुंबई टीम को खदेड़ा। गुस्से में आकर के सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ने काफी बड़े बयान दिए हैं। नीता अंबानी को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। अगर शायद पहले ही कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होते तो नीता अंबानी को आज दिन देखना ना पड़ता। आप सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से लगातार अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम हार रही है। आप सबको बता दूं कि जब यहां पर कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी हार्दिक पांड्या ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर के टीम के धांसू से धांसू विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूदे। हालांकि आप सभी को बता दें मुंबई इंडियंस की शुरुआत गेंदबाजी में काफी ज्यादा बेहतर रही थी, क्योंकि 2 ओवर में लगातार 2 विकेट चटक गए थे कोलकाता नाइट राइडर के और 5वें ओवर में सुरेश अय्यर का विकेट चला गया, जहां पर ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीतकर अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सभी को बता दें कि बारिश के चलते हुए मैच धीरे धीरे डे होता रहा, जहां पर यह मैच 16-16 ओवर का रह गया। 16 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर ने काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी खेली, बल्लेबाजी की और काफी बड़ा एक लक्ष्य जो है मुंबई इंडियंस के सामने खड़ा कर दिया। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब मुंबई इंडियंस की टीम उतरी तो उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। आप सभी को बता दें कि 16 ओवर में 160 या 64 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए काफी बड़ी बात मुझे लग रही थी। मुंबई इंडियंस के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे थे। कोई 23 तो कोई 13 तो कोई 24 तो कोई 41 पर आउट होता जा रहा, ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जिसने अर्धशतक भी ठोका हो मुंबई इंडियंस की तरफ से कल के दिन। आप सभी को बता दें सुरेश अय्यर की टीम ने, कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाजी की और बल्लेबाजी बेहतरीन की। मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा हार्दिक पांड्या की बेवकूफी और यहां पर छपरी भरी कप्तानी की वजह से। हार्दिक पांड्या की कप्तानी लगातार पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ से क्या IPL पॉइंट टेबल से भी समझ लीजिए पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि यह 10वें पायदान पर है। नंबर 1 पर पंजाब है, 10वें नंबर पर, 9 नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। आप सभी को बता दें लगातार पूरी तरीके से टीम फ्लॉप हो रही है। मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर नीता अंबानी काफी ज्यादा हार्दिक पांड्या के ऊपर भड़की, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को संभाला और हार्दिक पांड्या को भी संभाला। कहा कि हार जीत का मामला ऐसा चलता रहता है, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा जुनून में थे। जसप्रीत बुमराह भी काफी ज्यादा यहां पर भावुक हुए थे जब उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां पर मुंबई इंडियंस इतनी बेहतरीन टीम होकर के कोलकाता नाइट राइडर्स से उसको हार मिली, ये काफी ज्यादा निराशजनक था, क्योंकि यहां पर लगातार मुंबई इंडियंस मुकाबले हार रही है, अपने आप से बाहर हो चुकी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 नंबर पर KKR है, 2 नंबर पर RR है, नंबर 3 पर सनराइज हैदराबाद है, नंबर 4 पर चेन्नई सुपर किंग्स।